हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका होस्ट एंड दोस्त कुमार, और आप देख रहे हैं डॉक्टर वर्सेस इंजीनियर्स जॉब। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो मैं लेकर आया हूँ गैस बुकिंग पे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा तो बहुत सारे लोगों को जानकारी ही नहीं थी कि गैस बुकिंग ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, क्या घर बैठे ही हम कैसे कर सकते हैं। और प्लस आजकल आपको पता होगा जो भी गैस डिलीवरी करने के लिए आते हैं वो आपसे 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज मांगते हैं कि डिलीवरी का फ़ी दीजिए, वरना अगली बार मैं आपके घर पे डिलीवरी करने नहीं आऊँगा। तो इसी पे मैंने ये वीडियो बनाया है कि हम कैसे घर बैठे ही गैस बुकिंग कर सकते हैं और डिलीवरी फ़ी बचा सकते हैं। चलिए आइए दोस्तों, का गैस कनेक्शन हो, चाहे वो भारत गैस हो, इंडियन गैस हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, उनका एप्लीकेशन अभी गूगल प्ले स्टोर पर है, वहाँ पर जाके आप इंस्टॉल कीजिए। तो मेरा भारत गैस है, तो मैं आपको भारत गैस का पहले बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है, इसलिए मुझे सिर्फ पिन डालने का ऑप्शन आ रहा है। आपको आएगा स्किप लॉगिन या फिर लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा विद मोबाइल नंबर। तो वहाँ पर आपको सिर्फ आपका मोबाइल नंबर डालना है। कौन सा मोबाइल नंबर डालना है, सबसे पहले बात इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि जो मोबाइल नंबर आपने कनेक्शन लेते वक्त दिया है वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप ये इजीली बुक कर पाएंगे ऑनलाइन। अदरवाइज़ फिर जा कर के आप डिस्ट्रीब्यूटर से मोबाइल नंबर चेंज करने का रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। जैसे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे आपको ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, ओटीपी डालते ही वेरीफाइड हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपना ओटीपी और पिन डाल करके लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करते देखिए फ्रंट पेज पर ऐसा ही सभी एप्लीकेशंस में खुलता है, चाहे वो भारत गैस का हो या किसी और का हो, उसमें फ़र्क नहीं है, वो ऐसे ही खुलता है। वहाँ पे देखिए क्विक बुक एंड पे है, रिफ़िल हिस्ट्री है, सर्विस रिक्वेस्ट है, एमरजेंसी हेल्पलाइन। एमरजेंसी हेल्पलाइन, अगर घर पे गैस पाइप में कुछ प्रॉब्लम है या गैस लीक हो रही है, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करके या मैसेज करके उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, तुरंत बंदा आ जाता है। क्विक बुक एंड पे का जो ऑप्शन है ये है गैस बुकिंग के लिए, आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्विक बुक एंड पे पे, और यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट की एक ऑप्शन है, उस पे आपको क्लिक करना है सबमिट रिक्वेस्ट। जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आता है कि बुक नाउ COD, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू डू नॉट मेक पेमेंट ऑनलाइन आफ्टर बुकिंग, तो आपकी जो डिलीवरी है वो ऑटोमेटिक COD में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों COD में हमें इसे कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो जो भी बंदा यहाँ पर डिलीवर करने आएगा वो आपसे 20 रुपये 30 रुपये एक्स्ट्रा मांगेगा डिलीवरी करने का। तो आपको ध्यान देना है कि बुक नाउ पर जैसे ही आप क्लिक कर रहे हैं वहाँ पर तुरंत ही आपको ऑप्शन आता है ऑनलाइन पेमेंट का। वहाँ पर जो भी अमाउंट देखे आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि जो सब्सिडी का पैसा है, अगर आपने सब्सिडी ऑप्ट आउट नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अगर देख सके, अगर आपको जानना हो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर को कि ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर का डिटेल है, और अगर मैं कुछ और डिटेल्स भी चाहता हूँ यहाँ पे टॉक टू अस है। हाँ, सबसे अच्छी बात, रिक्वेस्ट फॉर सेकंड सिलेंडर, इसके लिए आपको वापस से रिटेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पर क्लिक करके सेकंड सिलेंडर के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे आपका सेकंड कनेक्शन चालू, आप यहीं इसी ऐप के थ्रू सरेंडर भी कर सकते हैं कनेक्शन। बाकी आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसका इस्तेमाल करके डेफिनेटली यूज़ करके और बुकिंग कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं दोस्तों। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका अगला जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ UAN एक्टिवेशन पे, क्योंकि मैंने जो सबसे पहला, आप लोगों को याद हो, PF पे मैंने जो अकाउंट बनाया था, जो PF निकालने का ऑनलाइन प्रोसीजर है उस पर जो मैंने बनाया था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि उन्हें UAN एक्टिवेट करने ही नहीं आता, जबकि मैंने उसमें प्रोसीजर बताया, बट उन्हें एग्जैक्टली प्रोसीजर चाहिए। तो मैं इन डिटेल आपको बताने वाला हूँ वहाँ पे कि कैसे हम इसको UAN एक्टिवेट कर सकते हैं और फिर पैसा निकाल सकते हैं। थैंक यू।